लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम दे देना अद्भुत स्थिति होती है। और आज यहां पर मुझे यहां पर इस रामलीला के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। अयोध्या धाम में आपके इस सभी मातृशक्ति के पात्रों से संबंधित रामलीला का यह आयोजन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अयोध्या में, अयोध्या शोध संस्थान में पहले रामलीला होती थी, बीच के कालखंड में उसको रोक दिया गया। तब 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम लोगों ने फिर यहां रामलीला के आयोजन को फिर से शुरू करवाया और केवल यहां पे रामलीला के मंचन को ही शुरू नहीं कराया, सरयू जी की पवित्र आरती के कार्यक्रम को प्रारंभ करवाया, अयोध्या को उसका वैभव और अयोध्या को उसका सम्मान प्राप्त हो सके इसके लिए हम लोगों ने यहां पे दीपावली के दिन दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ अयोध्या को जोड़ने का कार्यक्रम किया। आज आप देखते होंगे अयोध्या का दीपोत्सव दुनिया का एक यूनिक इवेंट बन गया है, अद्भुत हर घंटे अयोध्या आना चाहता है। और अब तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से एक नए भारत की एक नई अयोध्या देश और दुनिया को देखने को मिल रही है। और ये नई अयोध्या का लोकार्पण एक पहले चरण के कार्यों का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर को किया और 30 दिसंबर के बाद ये उत्तराखंड की पहली टीम है जो रामलीला का मंचन करने के लिए स्वतः सफलता दिखाई। आपका मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और अयोध्या में आपका यह आगमन यह महज एक आगमन नहीं है, यह भी एक ईश्वरीय प्रेरणा है कि जब 500 वर्षों के बाद प्रभु अपने धाम में वापस आकर के विराजमान होकर के अपना दिव्य दर्शन कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों को देंगे, उससे पहले रामलीला का यह मंचन प्रभु की लीलाओं की, प्रभु की लीला को, की स्मृतियों को आम जन तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम बनेगा। और सचमुच ये अद्भुत क्षण है। 22 जनवरी को कार्यक्रम अयोध्या धाम में होने जा रहा है। आज प्रातः काल से मैं उन सभी कार्यों की समीक्षा निरीक्षण करते करते फिर मैं अभी आपके पास यहां पर आया हूं और आपके प्रति, आपकी पूरी टीम के प्रति, आप 400 की संख्या में बहने उत्तराखंड से यहां पर आए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं इस टीम को आमंत्रित करूंगा। मेरा पात्र यहां पर मंचन कर रही है कि दीपोत्सव के पहले अगर हो सके तो दीपावली के अवसर पर हम लोग यहां पे दीपोत्सव करते हैं, उस अवसर पर देश के भी और दुनिया की भी रामलीलाओं को यहां आमंत्रित कर रहे हैं। अगर उस अवसर पर आपकी टीम यहां पर आकर के मंचन करे, जैसे इस बार 22 के कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने 6 देशों की रामलीलाओं को आमंत्रित किया है, इंडोनेशिया से भी है, थाईलैंड से भी है, लाओस से भी है, नेपाल से भी है, श्रीलंका से भी है, मॉरिशस से भी है, अन्य देशों से है, ऐसे ही राज्यों से भी आती है, अलग अलग राज्यों से रामलीला आती है। उत्तराखंड की एक रामलीला है सबसे अलग जिसमें सभी पात्र महिलाएं हैं, तो यह लोगों के लिए एक नई प्रेरणा का माध्यम बनेगा और मुझे विश्वास है अगर यहां पर यहाँ का जिला प्रशासन अभी से बातचीत करके लोगों से चर्चा कर ले और उस दौरान इस टीम को यहाँ पर बुला करके सम्मानित भी किया जाना चाहिए, अभिनंदन भी उनका किया जाना चाहिए, उनको एक मंच भी दिया जाना चाहिए जिसे प्रभु राम की लीला को युग युगांतर तक, जिसे संत तुलसीदास जी ने हमारे पूज्य संतों के माध्यम से रामलीलाओं का मंचन मध्यकाल में विदेश गुलाम विदेशी आक्रांताओं को झेल पाता उस कालखंड में संत तुलसीदास जी ने सामाजिक चेतना को जागरूक करने के लिए प्रभु राम को माध्यम बनाया और प्रभु राम की कृपा क्या रही कि उस कालखंड में भी संत तुलसीदास जी ने एक ही बात कही, बहुत सारे लोगों ने बहुत माला दिया तुलसीदास जी को,
कि अकबर के दरबार में चलो, उनके दो रुकने हैं, उनमें से आप एक बन जाएंगे, आपको बहुत माला माल मिलेगा। तो उन्होंने कहा अकबर कौन है? कहा जैसे भारत का बादशाह है। उन्होंने कहा बादशाह किसको कहते हैं? कहा राजा को कहते हैं। उन्होंने कहा कि देखो मेवल में एक ही राजा है और वह है राम। राम के अलावा किसी को, राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मान रहा। और उसी बात से मध्य काल में ही उस समय राम नाम का आयोजन के माध्यम से उसने एक ही बात कही थी, बोलो राजा रामचंद्र की या भारत की प्राण शक्ति बन गई। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक भव्य और दिव्य राम मंदिर और अयोध्या आप सबको, पूरे भारतवासियों को, दुनिया वासियों को देखने को मिल रही है। और आपका ये मंचन इससे बहुत अद्भुत है, अभिनंदनीय है। दीपोत्सव कार्यक्रम में आपका यहाँ पे प्रभारना होगा, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको अयोध्या आगमन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन सभी महिला पात्रों को जिन्होंने इतना साहस किया कि रामलला के अलग अलग पात्र बन करके भी अपने अभिनव का मंचन लेकर के लोगों के लिए नई प्रेरणा देंगे, आप सभी को मैं इसके लिए हृदय से अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप अयोध्या दर्शन करके एक नई स्मृति लेकर के उत्तराखंड जाएंगे। उत्तराखंड में हमारी सभी देवी देवताओं के स्थल हैं, उनके मंदिर हैं, वहां का स्वरूप भी भव्य स्वरूप हो रहा है, उसको हम उसी रूप में आगे लेकर के जाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। जय जय श्री सीताराम। तो अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। उत्तराखंड की रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए यहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, कलाकारों को सम्मानित किया और कहा कि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ऐसे मौके पर उत्तराखंड से आए हुए तमाम कलाकार राम की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं और यहाँ मौजूद लोग उसका आनंद ले रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, नन्हे मुन्ने कलाकार जो कि उत्तराखंड से प्रभु राम की नगरी अयोध्या आए हैं, रामलीला का मंचन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन कलाकारों के बीच उनकी हौसला अफजाई करते हुए, उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा करते हुए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नज़दीक आ रही है। ऐसे में अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, राम कथा की लीलाओं का मंचन हो रहा है और इन सब के बीच ये खास तस्वीर अयोध्या से आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इन कलाकारों के बीच में देख सकते हैं, उन्होंने इन कलाकारों की तारीफ की और साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या एक नए स्वरूप में आज उभर कर सामने आई है और ये सभी के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। इस खास मौके को और ख़ास बनाने के लिए 22 जनवरी 2024 जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस पल को यादगार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी राम भक्त राम की भक्ति में पूरी तरीके से सराबोर हो जाएं, डूब जाएं और यही प्रयास, यही कोशिश की जा रही है ट्रस्ट की तरफ से भी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी, कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो उस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भी तमाम धार्मिक आयोजन किए जाएं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाएं और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अलग अलग जगहों से वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसी क्रम में हम जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं कि उत्तराखंड से आए हुए तमाम कलाकार अयोध्या में रामलीला का मंचन कर रहे हैं। आमतौर पर हर साल हमें देश के अलग अलग हिस्सों में रामलीलाओं का मंचन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार अयोध्या धाम में रामलीला का मंचन बहुत खास हो जाता है क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं जब प्रभु राम आने वाले हैं, गर्भगृह में रामलला विराजमान होने वाले हैं और उससे पहले अयोध्या में उत्तराखंड के इन कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन करना यहाँ मौजूद लोगों के लिए भी एक खास अनुभव है और उनको मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। सीएम को भी इस दौरान सम्मानित किया गया उत्तराखंड से आए हुए कलाकारों ने और उस टोली ने, आप देखिए यहाँ पर सीएम को शॉल भेंट कर उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। मंच से सीएम ने भी यहाँ मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनको संबोधित किया और धन्यवाद भी दिया। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं अयोध्या से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरें।
अयोध्या में रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार हुआ स्वर्ण जड़ित। मुख्य द्वार की 100 तस्वीर न्यूज 18 के पास खूबसूरत नक्काशी के जरिए दरवाजे को तैयार किया गया। सीएम योगी राम की नगरी अयोध्या के दौरे पर। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन के पूजा के बाद मुख्यमंत्री अयोध्या में विकास कार्यों का निरीक्षण करते नजर आए। अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी का निर्देश। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को छुट्टी का ऐलान। स्कूल कॉलेज में रहेगी छुट्टी। सीएम योगी का निर्देश। सभी सरकारी भवनों को सजाया जाए। आतिशबाजी के भी प्रबंध करने के निर्देश। समाजवादी पार्टी के गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी। 22 जनवरी को विधानसभा के सभी सदस्यों को प्रभु श्रीराम के दर्शन करवाने की मांग। अहमदाबाद से अयोध्या मंदिर के लिए पैदल यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का किया गया भव्य स्वागत। 45वें दिन फतेहपुर पहुंचने पर हिंदू संगठन के लोगों ने जोरदार स्वागत। अयोध्या में श्रीराम के उत्सव में बस्ती के किन्नर भी देंगे योगदान। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ अक्षत लेकर द्वार द्वार मंगल गान गाकर न्योता देने पहुंचे। बुधवार को अयोध्या में बीजेपी की बड़ी बैठक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन भी रहेंगे मौजूद। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए लखनऊ मीट कारोबारियों ने इस दिन कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया। मीट कारोबारियों ने इस संबंध में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपा और उन्हें फैसले की जानकारी दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम मोदी ने मशहूर गायक हरिहरन का भजन ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, हरिहरन के अद्भुत सुरों से सजा ये राम भजन हर किसी को प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन कर देने वाला है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने को लेकर ओडिशा के 2 श्रद्धालु पैदल यात्रा पर निकले। इनके जौनपुर पहुंचने पर राम भक्तों ने इनका स्वागत किया। 19 नवंबर को ओडिशा से अयोध्या के लिए पैदल निकले। रायबरेली में 2 बच्चों ने भगवान राम और माता सीता के रूप में एक्टिंग की। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे की धुन पर एक्टिंग करते नजर आए। वीडियो वायरल हुआ। वाराणसी में एक पौधा श्री राम के नाम अभियान की शुरुआत हुई। सैकड़ों पौधों को लोगों में वितरित कर 22 जनवरी को पौधारोपण करने की अपील। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर भी तैयारियां जोरों पर। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो इसका रखा जा रहा है ध्यान। रामलला प्रतिष्ठा को लेकर किन्नर समाज के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी भी अयोध्या पहुंची। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए खुशी का पल क्योंकि भगवान राम फिर पधार रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान राम के उत्सव पर हम बधाइयां गाएंगे। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर प्रभु राम की होर्डिंग लगी। होर्डिंग में लिखा है, आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। एसपी के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह ने लगवाई होर्डिंग। आचार्य सत्येन्द्र दास ने सोनिया, राहुल और खड़गे को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न्योता देने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, ऐसे लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जाना चाहिए। लड्डू गोपाल की जन्मभूमि मथुरा से श्री राम लला को लड्डू जाएंगे। लड्डुओं को बनाने में खास मेवा, केसर और मौसम के अनुकूल चीजों का प्रयोग किया जाएगा। ये लड्डू भोग मकर संक्रांति को श्रीकृष्ण जन्मभूमि से अयोध्या धाम भेजे जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य पूजन कराएंगे। चंपत राय ने प्राच्य संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर श्यामलेश तिवारी को आमंत्रित किया है। 16 जनवरी से शुरू होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अलग अलग दिन विधि विधान से पूजन कराएंगे। आगरा के दृष्टिहीन छात्रों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया। हारमोनियम और ढोलक के साथ ये बच्चे भजन गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरठ के रहने वाले सुशील सिंघल रोजाना हजारों बार राम राम लिखते हैं। 4 साल में अब तक वो तकरीबन 25 लाख बार राम का नाम लिख चुके हैं। सुशील जी का कहना है कि भगवान राम से ही उन्हें ये प्रेरणा मिली।
मेरठ में आज से खादी उत्सव की शुरुआत हो गई है। खादी उत्सव यूं तो खादी के कपड़ों के लिए है, तरह तरह के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ का माहौल भी राममय हो गया है। खासतौर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कमाल कर दिखाया है। अमरोहा के वसीम के हाथों से बनी टोपी राम भक्तों के सिर पर सजेगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहनी जाने वाली जय श्री राम लिखी टोपियां बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला। वसीम की माने तो उन्हें 40,000 टोपियां भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ लिखकर बनाने का ऑर्डर दिल्ली से मिला। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अक्षत वितरण का काम जोरों पर है। आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता लोगों को निमंत्रण देने के लिए घर घर जा रहे। इटावा में जगह जगह लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आए। देवराहा बाबा की तपोस्थली देवरिया के लोगों ने भी 22 जनवरी के लिए खास इंतजाम किए हैं। कोई गाना लिख रहा है तो कई लोग अक्षत बांटकर प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं।